फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल सी हो रही है, आपके स्किन पे एक अलग ही तरह का कालापन आ गया है, आपके स्किन पे धूप की वजह से बहुत सारी टैनिंग हो चुकी है, गर्मियों में इस तरह की स्किन प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है, आप गर्मियों में घर पे तो नहीं बैठ रहते, आपको कोई भी काम से बाहर तो निकलना ही पड़ता है, गर्मियों में घर के बाहर धूप के अंदर सिर्फ 2 मिनट में भी आपकी स्किन पे इतना ज्यादा डैमेज होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और ये बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का रीजन बन जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा फेशियल पैक शेयर करने वाली हूँ जिसे एक ही बार आप यूज करोगे, एक ही बार में ये आपकी स्किन को व्हाइटन बनाएगा, ब्राइटन बनाएगा, आपके चेहरे पे से सारी डलनेस को हटा देगा, आपके चेहरे पे एक बढ़िया वाला ग्लो लाएगा। आप बोलते हो कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल सी हो रही है, तो ये फेस पैक एक बार लगा लो, आपके चेहरे पे बहुत ही बढ़िया वाला नेचुरल ग्लो आने वाला है। साथ ही आपके चेहरे पे अगर फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, तो वो सारी ही प्रॉब्लम्स को ये वाला फेस पैक सॉल्व करने वाला है। तो इसके लिए मैंने पहले ले ली है आधी चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो हमारी स्किन को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। साथ ही ये आपके चेहरे पे एक बढ़िया वाली शाइनिंग लाती है, आपकी स्किन व्हाइटनिंग का भी काम करती है। धूप की वजह से आपके चेहरे पे जितनी भी डलनेस होती है, जितनी भी टैनिंग होती है, धूप की वजह से आपकी स्किन जितनी भी काली हुई होती है, उस सारी टैनिंग को कॉफ़ी पाउडर हटा देता है। कॉफी पाउडर जो होता है वो एक बढ़िया सा जेंटल और माइल्ड एक्सफोलिएटर होता है जो हमारे स्किन के ऊपर जितनी भी रफ स्किन होती है उसको हटा देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है। इसके बाद मैंने डाला है 1 चम्मच जितना बेसन। बेसन को बहुत ही पुराने टाइम से, सालों साल से लोग अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हुए आए हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये स्किन टाइटनिंग का भी काम करता है, आपके फेस पे एक लिफ्टिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन जो लूज हो जाती है उसको टाइट करता है, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, प्लस ये भी आपकी स्किन को ब्राइटन बनाता है, धूप की टैनिंग को भी हटाता है और पिंपल्स को भी ठीक करता है। बेसन एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, आपके चेहरे पे जितनी भी इम्प्योरिटीज, डर्ट, पॉल्यूशन होता है उसको बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन करता है। आप बेसन को एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। तो आधे चम्मच जितनी कॉफी पाउडर और 1 चम्मच जितना बेसन लेने के बाद हम लेने वाले हैं आधे चम्मच जितना शहद यानी कि हनी। हनी आपके चेहरे पे बहुत ही बढ़िया वाली शाइनिंग लेकर आता है। आपका चेहरा बहुत ही डल सा लग रहा है आपको, तो आप हनी लगाकर देखिए, आपके चेहरे पे इंस्टेंटली शाइनिंग आ जाएगी, इंस्टेंटली ग्लो आ जाएगा। प्लस ये भी एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है जो गर्मियों में बहुत ही बढ़िया रहता है हमारी स्किन के लिए। और आपको इस फेस पैक में हनी को इस्तेमाल करने से पहले नहीं सोचना चाहिए, अगर आपकी ऑयली भी स्किन है फिर भी आपको ये फेस पैक के अंदर हनी सूट करेगा, आप बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल किया है जो हनी की जो भी ऑयलीनेस होती है उसको बैलेंस कर देता है। ये जो फेस पैक है वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट भी करेगा। अब इसके अंदर मैं मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा पानी, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो आप पानी की जगह पर कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप गुलाब जल यानी कि रोज वाटर का इस्तेमाल करना चाहो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करके इस तरह की एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी का फेस पैक रेडी कर लेना है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। एक मीडियम से कंसिस्टेंसी का फेस पैक बनाकर रेडी कर लीजिए और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले तो आपको अच्छे से फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लेना है ताकि आपकी स्किन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी स्किन पे ये अपना पूरा बेनिफिट दे पाए। इसके लिए आपको अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। इसके बाद अपने पूरे फेस पे और नेक पे ये वाला फेस पैक आपको अप्लाई कर लेना है। आप चाहो तो अपने हाथों पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके हाथों पे टैनिंग हो गई है तो एक ही बार में ये आपकी सारी टैनिंग को हटा देगा। अपने फेस और नेक पे लगाकर इसे आपको अच्छे से ड्राई होने देना है 15 से 20 मिनट तक। जब 15-20 मिनट बाद ये ड्राई हो जाए तो अपने हाथों को गीला कर लीजिए और गीले हाथों से अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए सारे फेस पैक को साफ कर लीजिए।
उसके बाद सादे पानी से, नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। इसके फर्स्ट टाइम यूज से ही आपकी स्किन में आपको बहुत ही ज्यादा चेंजेस दिखेंगे, आपकी स्किन टेक्सचर में, आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और एक बहुत ही बढ़िया वाली चमक आपके चेहरे पे दिखेगी जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आपके चेहरे पे रहेगी। जिस तरह से पार्लर के फेशियल के बाद आपके चेहरे पे जो चमक आती है वो सिर्फ 2 या 3 दिन रहती है, इस तरीके का इस फेस पैक के साथ नहीं होगा। इसकी चमक बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपके चेहरे पे रहेगी। प्लस ये वाला जो फेस पैक है वो बिल्कुल केमिकल फ्री है, आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाएगा, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। ऑल स्किन टाइप वालों को सूट करता है तो कोई भी इसको लगाकर ट्राई कर सकता है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नेचुरल स्किन केयर वीडियोज़ आप आगे भी देख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, सी यू।